जो फूल दिखा रहे हैं और उनके जो हवाली मवाली हैं जो घूम रहे हैं वो हमारी बहनों और माओं को बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम ने क्या कहा, एक तकरीर कहा मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करें, कहा मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, घुसपे किए हैं बाहर से आए, मुसलमान किसी का हक छीनने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान अपना हक चाहता है, किसी और का हक नहीं है, किसी की जमीन किसी के घर किसी के घर किसी का मंगल सूत्र नहीं ले जाना। मैंने वजीर आजम नेहरू से लेकर आज तक वजीर आजम को सुना है, वो मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। ये जो आज आतंकवाद है, ये जो मिलिटेंट आ रहे हैं, जब 370 इन्हें हटाया क्या था? कहा 370 है जिम्मेवार, ये जो यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ पे जो ये बंदूक लेके पाकिस्तान से आ रहे हैं, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक ये 370 को वापस लेके आएंगे और अपनी हमको भारत का दुश्मन नहीं कि आपको 10 साल के बाद एक इलेक्शन मिल रहा है जिसमें आप अपना फैसला करेंगे, क्या आप इस जमीन के मालिक हैं या कोई और इस जमीन का मालिक है, इसका फैसला आपके पास है। वो चाहते हैं जो फूल दिखा रहे हैं और उनके जो हवाली मवाली हैं जो घूम रहे हैं वो हमारी बहनों और माओं को बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारे वजीर आजम ने क्या कहा, एक तकरीर कहा मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करें, कहा मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, घुसपे किए हैं बाहर से आए। तीसरी बात उन्होंने कही, कई उन्हें नहीं सुना, कहा अगर इनके पास आपके पास दो भैंसे हैं एक भैंस मुसलमान को दे देंगे, अगर आपके पास दो घर होंगे तो एक घर मुसलमान को देंगे। मैं इस केस से उसे याद रखना चाहता हूं, मुसलमान किसी का हक छीनने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान अपना हक चाहता है, किसी और का हक नहीं है, किसी की जमीन किसी के घर किसी के घर किसी का मंगल सूत्र नहीं ले जाना। मैंने ऐसी तकलीफ जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मैंने वजीर आजम नेहरू से लेकर आज तक वजीर आजमों को सुना है, वो मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। ये हमें मजहबों में तोड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, हमें गुर्जर को बकरवाल के साथ, कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी के साथ, शिया हो सुन्नी हो लड़ाना चाहते हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हमें बांटे और वो वोट ले जाए और वो जीत जाए। आज सवाल इस बात का है, आप अपना तशद्दुद चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप अपनी जमीन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो सवाल क्या क्या झूठ बोलते हैं, रोज झूठों का पलंगा लोगों के सामने लाते हैं, जवाब दें। ये जो आज आतंकवाद है, ये जो मिलिटेंट आ रहे हैं, जब 370 इन्हें हटाया क्या था? कहा 370 है जिम्मेवार, ये जो यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ पे जो ये बंदूक लेके पाकिस्तान से आ रहे हैं, मैं वजीर आजम और इनके हमेशा साथ से कहना चाहता हूँ, हमने कभी बंदूक का साथ नहीं दिया, हमने कभी पत्थरबाजी का साथ नहीं दिया, हमने ग्रेनेड कभी नहीं मारा, हम अपना हक चाहते हैं जो हक आपने हमसे छीन लिया है, हमें वापस कर दो। आपका हक नहीं था, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं, पहली दो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी 370 के बारे में, उसमें हमने साफ कहा कि ये जो है ये कम वक्त के लिए नहीं है, ये पूरा फाइनल है और इसको रहना चाहिए। मगर इन्हों में सुप्रीम कोर्ट का अपना दबाव लगा के उसको निकाल दिया। इंशाल्लाह जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक 370 को वापस लेके आएंगे और अपनी हमको भारत का दुश्मन नहीं है।